चार अक्टूबर को आप रिजल्ट देखोगे कि वन साइडेड जो यहां से बलवंत सिंह मनकोटिया जी जीत कर असेंबली में बैठेंगे। दो कैंडिडेट में थे अर्ष देव और भी हैं, दुए मनकोटिया साहब भी हैं, मतलब दो ठीक हैं। देखो मुकाबला तो एक तरफा ही है, इस तरफ इस बार तो हर्षदीप सिंह जी जीतेंगे, उन्होंने काम अच्छे किए हैं पहले भी और वो चार पाँच साल से लोगों में फिर रहे हैं। बहुत ही खुशी हुई जब हमें ये पता चला कि बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट मिली है इस बार बीजेपी की तरफ से। बलवंत सिंह मनकोटिया जी को टिकट जो मिली है चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसके लिए सारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की वो उसके लिए तैयार है। इलेक्शन आ गई तो बलवंत सिंह जी ऊपर से गिर गए, या दूसरा किसी कोई पार्टी का पैराशूट से आ गया उसको कौन वोट देगा। को देकर मनकोटिया सिंह को एक अच्छी जीत दिला के वापस भेजे। जैसे हमारे हर्षदीप जी हैं इधर के, बहुत ईमानदार आदमी, वो पढ़े लिखे और तीन दफ़ा वो अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA रह चुके हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि आगे लाएं, तो तब जाकर हमारा विकास होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकती हैं। और सिर्फ हर्षदेव सिंह जी हैं, बाकी कोई भी नहीं है, बाकी सपने में ही रहेंगे। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मैं चनैनी कोल्डी कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूं। पहले तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, क्योंकि 10 साल के बाद लोगों को जो है वो चुनी हुई सरकार मिलेगी। तो यहाँ जो है भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 10 सालों में, आपने पंचायतों में देखा होगा कि हर जगह रोड बने हुए हैं और पंचायतों को बेतहाशा पैसा दिया, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि हर जगह गाड़ियाँ जा रही हैं और PMGSY के रोड बने हैं, हर जगह डेवलपमेंट के काम हुए हैं। बाकी मेरा आपके माध्यम से लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि काम को देख के वोट किया जाए। मुकाबला तो दोनों पार्टियों का मुकाबला तो है, वन साइडेड भी नहीं है और वन साइडेड भी है। अब लोगों पे है कि लोगों से हम वोटर तो लोग ही है ना, जो वोट देने वाले हैं हम वही बोल सकते हैं। आप लीडर चाहे जितना भी बड़ा हो मगर वोट देने वाली जनता होती है, तो जनता ने जो मन बना लिया है किसको वोट करना है, आजकल अवेयर लोग हैं, आजकल कहने की जरूरत नहीं है, लोग डेवलपमेंट को देख के वोट करने वाले समय में हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी यहाँ चुन के नुमाइंदा आए वो लोगों की भलाई के लिए काम करें और लोगों की भलाई के लिए अच्छे काम करें। नाम अमित अबरोल है और मैं चनैनी म्यूनसिपल कमेटी में एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूं। जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि जो 10 साल से यहां पे इलेक्शन नहीं हुए, उस सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी भी डिमांड थी, खास करके भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और जो स्टेटहुड का दर्जा है वो वापस जम्मू कश्मीर को मिले। अभी जो इलेक्शन हो रही है, मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि पिछले दिनों जैसे एक हवा हमारी चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकली थी कि लोकल कैंडिडेट चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है, लोकल कैंडिडेट हमको चाहिए था, लेकिन ये जो शोशेबाजी जितनी भी थी ये सारी विपक्ष की फैलाई हुई थी। आज जो पार्टी ने निर्णय लिया उस निर्णय को सर्वोपरि हम मानते हैं, दिल से एकजुट है आज भारतीय जनता पार्टी, चनैनी गोडी की जनता ने वो निर्णय भारतीय जनता पार्टी का माना है। और बलवंत सिंह मनकोटिया जी को टिकट जो मिली है चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उसके लिए सारी जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की वो उसके लिए तैयार है। जहाँ जहाँ पे मनकोटिया साहब प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जनता खुद उनसे आगे आके मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि देखो एक साइड जैसे यहाँ पे गुपकार गैंग, NC, कांग्रेस, पैंथर पार्टी, PDP, ये सारी पार्टियाँ एकजुट होके एक पार्टी को, सारे अलायंस होके एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ ये सारी पार्टियाँ और सिंगल पार्टी को हराने के लिए इन्होंने सारी जोर आजमाइश अपनी लगाई हुई है। लेकिन भाजपा डरने वाली पार्टी नहीं है, भाजपा का कैंडिडेट तो कैंडिडेट, एक वर्कर डरने वाला नहीं है, वर्कर उतना काम कर रहा है जितना कैंडिडेट काम नहीं कर रहा होगा। तो 4 अक्टूबर को आप रिजल्ट देखोगे कि वन साइडेड जो यहां से बलवंत सिंह मनकोटिया जी जीत कर असेंबली में बैठेंगे। काजी है, तारफ खान काजी है, मैं चनैनी का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 5 में। 10 वर्ष के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे? दो बड़े देखो यहाँ पर आए हैं, चनैनी गोडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, बलवंत सिंह मनकोटिया और हर्षदीप, क्या देखते हैं कि किस तरीके का मुकाबला रहने वाला है? देखो मुकाबला तो एक तरफा ही है, इस बार तो हर्षदीप सिंह जी जीतेंगे, उन्होंने काम अच्छे किए हैं पहले भी और वो चार पाँच साल से लोगों में फिर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग जो उनसे खुश हैं वो
इतने दिनों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से रबता रखा है, ये तो नए नए पैराशूट से आजकल आ रहे हैं, तो इनको कौन, अब इलेक्शन आ गई तो बलवंत सिंह जी ऊपर से गिर गए, या दूसरा किसी कोई पार्टी का पैराशूट से आ गया, उसको कौन वोट देगा? तो ग्राउंड वर्क तो वो कर रहे हैं, लोगों से तालमेल रखा है, लोगों की दुख तकलीफ में आ जा रहे हैं, 5-7 साल से जहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो MLA ना होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों से अच्छा रबता रखा है, तालमेल रखा है, तो हमें उन्होंने पीछे भी अच्छे काम किए हैं और उम्मीद है आगे भी अच्छे काम करेंगे। तो यहाँ के जितने भी नौजवान हैं सबकी एक ही आवाज है कि बहुत ही खुशी हुई जब हमें ये पता चला कि बलवंत सिंह मनकोटिया साहब को चनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट मिली है इस बार BJP की तरफ से। और मैं ये सोचता हूँ कि चनैनी में पहली बार कोई, जो आजकल चल रहा है जैसे बोल रहे हैं कि फायर ब्रांड लीडर मिला है, आज तक भी लीडर थे, काम करते आ रहे थे, लेकिन जो लीडर अभी ये मनकोटिया साहब हमें मिले हैं, हम मतलब शुक्रगुजार हैं BJP गवर्नमेंट के, सेंटर के, कि ऐसा लीडर हमें दिया गया। और जो मुद्दे, मतलब वो जब अकेले थे अपने स्टेट में थे पार्टी में, तब अगर उनके मुद्दे सुने जाते थे, आज तो वो सेंटर में हैं, अगर यहाँ वो खांसी करेंगे तो वहाँ तक सुनाई देगी, अमित शाह तक सुनाई देगी, और एक एक बात, जो जो हमारी बातें पेंडिंग है, जो हमारी मांगे पेंडिंग है, और हमें पूरा विश्वास है मनकोटिया साहब के आने के बाद वो पूरी होंगी। नाम है अजय सलारिया, हमको बहुत खुशी हुई बलवंत सिंह को टिकट मिली, तो वो ही जीतेंगे इधर इस इलाके में, तो हमारा वोट है खुद से, तो हर बंदे का वोट उनको बलवंत सिंह को ही जाए। क्या लगता? बाकी पार्टियों का तो हार ही हार है, जितने भी आएंगे तो वापस ही जाएंगे। पहले तो हमें बहुत खुशी की बात है कि 10 साल बाद हमारे यहाँ इलेक्शन हो रही है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे BJP ने बहुत अच्छे काम पहले से ही किए हुए हैं, बहुत डेवलपमेंट हुई हुई है, तो जो अभी इलेक्शन है तो हमें तो और किसी कैंडिडेट का तो पता है नहीं, अभी मनकोटिया साहब हैं हमारे, तो वही यहाँ से अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। से हमें बड़ी खुशी हुई जब हमें पता लगा कि बलवंत मनकोटिया साहब को इधर टिकट मिली है, सभी लोगों ने बड़ी खुशी मनाई, तो सारे लोग यही बोलते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया ही को वोट देकर कामयाब करेंगे हम, और काफ़ी लोगों ने जो मेहनत की करेंगे इस पार्टी की। देखो जी, जब 10 साल के बाद इलेक्शन आई तो बड़ी मुश्किल से, मतलब जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी ये अपोजिशन में, जो इन्होंने बहुत स्ट्रगल की और तब जाकर कहीं कई कोर्ट का दरवाजा कई पार्टियों ने खड़खड़ाया, तब जाकर इलेक्शन का कहीं ये वो अनाउंसमेंट हुई। तो ख़ास करके जो 10 सालों में लोगों को इतनी बेरोजगारी बढ़ गई ना और महंगाई इतनी बढ़ी, जिस वजह से लोग थोड़े नाराज़ हो गए, तो आज हम चाहते हैं कि जब हमें ये मौका मिल रहा है तो हम अपना जो पार्टी जो है, कोई अच्छा कैंडिडेट, जो ईमानदार लोग जैसे हमारे हर्षदेव जी हैं इधर के, बहुत ईमानदार आदमी, वो पढ़े लिखे और 3 दफ़ा वो अपने उस कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA रह चुके हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम चाहते हैं कि आगे लाएं, तो तब जाकर हमारा विकास होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सकती हैं, और समाज के हर तबके को आगे ले जाने वाले यही आदमी है जो हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। लेकिन उनमें पता क्या बात है, वो भी हैं लेकिन उनकी जो पार्टी है वो मोदी के नाम पर चल रही है, वो पहले ऊपर पूछेंगे, वो बोर्ड उनके नाम पर चल रहा है, क्योंकि इधर ये हर्षदेव जी हैं जो ये तो अपने आप मतलब इंडिपेंडेंट हैं, आप खुद इधर प्रधान है पार्टी के, उनकी पार्टी जो है वो मोदी के नाम पर वोट लेती है, ये बात है। और जो हमारे यहाँ परेशानियाँ जी उनका अजाला नहीं करते हैं, मान लीजिए कोई रोड ख़राब है, कोई स्कूल में स्टाफ नहीं है, या और कोई प्रॉब्लम, बोर्ड के बारे में बोल नहीं सकते हैं। हम दो कैंडिडेट में थे, हर्षदेव और भी हैं, दुए मनकोटिया साहब भी हैं, बंदे दो ठीक हैं, असें पार्टी करना कोई तलक नहीं, असें दिखना बंदे ही वोट देना, तो दोनों का रेपुटेशन ठीक है लोकैलिटी भी, बाकी करने दो कम है, उन्हें वोट देना मसला, तो वोट देने मसले अस कुछ दस सकने के दसना कुछ देने, दऊँ असें कुछ कड़े नहीं दौना, दऊँ डिजर्व करते भाई मनकोटिया ने जरा BJP का, अस BJP के बंदे नहीं हैं लेकिन बंदे दिखे असें वोट देना हूँ, तो यह कि इस वे हर्षदेव तो बड़ी देर इतने मिनिस्ट्री भी रही है, चालू चूलू भी है, मनकोटिया साहब जरा नवे ने इस पास लोकैलिटी के इन्ना कोई इन्नी जानकारी लोगों नहीं आई थी, तो कहीं किस्मत रही मुकदर कौन जीता, तो बंदे दो कम इंती अस दोनों की गल करना है, क्योंकि ये रिश्तेदार भी हम पार्टियां एक ही इंदियाँ, BJP का बंदा नहीं है, लेकिन असें BJP को वोट दिता, असें बंदा ही वोट दिखी देता, NC को भी दिने, पैंच इन्हें भी दिंदे रहे, पैंथरियां भी दिंदे रहे, जो भीम सिंह और मिनिस्टर रही है साढ़ा इतना जम्मू का, कोह जी चमन लाल जी,
बीजेपी उसे भी था असल बंदे देखे वोट ने दो डिजर्व करता है वोटे उसल को जाता दुए ठीक न बंदा हर्षदीप सिंह जी को जिताना है हमने इस बार मुद्दे ढेर सारे मुद्दे हैं जहाँ पर मुद्दों की कोई कमी नहीं है परंतु फिर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेरोजगार पर हैं और नशा चरम सीमा पर है ये लोग कभी आते नहीं है जब इलेक्शन आती है बड़े बड़े भारी पखरू दिखते हैं और आके चले जाते हैं जब बाद में इनके पास कोई जाए फिर ये आगे से बोलते हैं वोट मोदी को दिया था हमें नहीं दिया इसलिए जहाँ पर इस बार सिर्फ और सिर्फ हर्षदेव सिंह जी हैं बाकी कोई भी नहीं है बाकी सपने में ही रहेंगे। सबको नमस्कार जय श्री राम। मेरा नाम रंजीत सिंह है और मैं करलाह पंचायत से बिलोंग करता हूँ और पार्टी तो हमारी बीजेपी पार्टी है, स्टार्टिंग से बीजेपी पार्टी है, आगे भी बीजेपी पार्टी रहेगी और अच्छे काम किए हैं बीजेपी पार्टी ने। तो हमारा जो अभी कैंडिडेट जो बीजेपी पार्टी ने हमें दिया है अच्छा कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है, अच्छे काम अच्छे डेवलपमेंट करेंगे। मगर कुछ जो हमारे मुद्दे हैं छोटे मोटे जो पहले के मुद्दे हैं वो काफ़ी पुराने भी हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुआ। जैसे हमारा करला गली का रोड है, एक गली से सीधा करला से बास्ट के लिए रोड है, काफ़ी टाइम का 30 साल से वो लटका हुआ है। तो बीच में अभी निकाला भी है तो कुछ उसमें इश्यूज हैं जो काफ़ी टाइम से नहीं क्लियर हो रहे हैं। तो अब वो भी हमें लगता है कि अभी जब जीतेंगे मलकोटिया साहब तो उनको भी हम बोलेंगे वो हमारा जो मसला हल करेंगे। और चिनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गोल्डी चिनैनी गोल्डी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब वो फुल जीत हासिल करके हम उनको विधानसभा में बैठाएंगे, ऐसी कोई बात। हर्षदेव जी तो वो तो अब ऐसे ही हैं, हर्षदेव जी का क्या कहना, वो उनको तो अपना नहीं पता कि मैं बोल के आ रहा हूँ जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता है, क्या है। हर्षदेव तो ऐसे ही है पार्टी पैंथल पार्टी। अब तो खुद घर का उनका जब सबसे पहले देखा था बेस उनका, जब उनका घर का बेस पीछे से बेस ही उनका ख़त्म है आगे अब लोगों से क्या अपेक्षा रखें या लोग उनको क्या देंगे, उनको कोई वोट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा और हर बच्चा भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, उनको देकर मलकोटिया सी को एक अच्छी जीत दिला के वापस भेजेंगे।